हेलो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ओके, आई टोल्ड यू टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट वाज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशंस. ओके, एंड आई सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दैट. ओके, सो टुडे वी विल गोइंग टू बिगिन आवर लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.4 from NCERT. okay, so let us start this exercise. So student, the first four question is that find the principal and general solutions of the following equations. Okay, for first four question we have to find the principal solutions also and general solutions also. Okay, so our question number first is 10x equal to root 3. Okay, so I told you the method, student. First we see that in what angle the 10x equal to root 3. So we all know that the value of 1060 is equal to root 3. Okay, so we can write 10x equal to 1060 degree. Okay, in radian also you can write, in degree also you can write. Okay, so I am solving with the help of degree and later we will convert it into radian. Okay, now 10x equal to 1060 we know. Okay, after seeing this question we can say that here the value of 10x is positive. Okay, and as we all know that according to the ASTC the 10 is positive in two quadrants such as first and third. Okay, in first and third quadrant the value of 10x is positive, we all know that. Okay, so one in first quadrant whatever angle will come we have written, that is 60 degree. And for calculating principal solution we all know that principal solution lies between 0 to 360 degree. So it means we will get two values of principal solution. One we have calculated, that is 60 degree. Other we will calculate in the third quadrant, kyunki hame bhi pata hai ki 10 jo hota hai wo first aur third mein positive hota hai. क्वेश्चन में पॉजिटिव ही है 10 की वैल्यू, तो इसका मतलब हमको जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा वो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा. तो पहले क्वाड्रेंट का एंगल तो हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज 60. अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे पता करेंगे? तो आपको मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को या तो आप 180 प्लस थीटा लिख सकते हो या 270 माइनस थीटा लिख सकते हो, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, लेकिन हमको क्या इन दोनों में से यूज कौन सा करना है? हमको वो यूज करना है जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई चेंज ना पड़े. मतलब कि क्वेश्चन में अगर 10 दिया है तो 10 ही चाहिए हमको. क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो अगर तो हमको वही चाहिए, हमको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं चाहिए. मतलब कि हमको कुछ ऐसा नहीं करना है कि वो किसी दूसरे में चेंज हो जाए, हमको केवल वही एंगल लेना है जिससे वो चेंज ना हो. ठीक है, तो 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, इन दोनों में से हम लोग कौन सा चूज करेंगे? हम लोग चूज करेंगे 180 वाला. 180 वाला इसलिए चूज करेंगे क्योंकि 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं होता है 180 और 360 में. बाकी 90 और 270 में अपने कोरिस्पोंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग 180 प्लस थीटा लिखेंगे. अब प्रॉब्लम यह है कि थीटा क्या होगा? तो थीटा यही होगा जो पहला एंगल हम लोग लिखे हैं, दैट इज 60 डिग्री. तो यानी कि एक तो वैल्यू 10x इक्वल टू 1060 आ गई और दूसरी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, दैट इज वी कैन राइट 180 डिग्री प्लस 60. अब आप पूछोगे क्यों सर आपने इसकी जगह ये लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है स्टूडेंट क्योंकि आपको भी पता है कि 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है कि नहीं? तो अगर 10 हम ऐसे लिखें 10 180 प्लस 60 तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये 1060 के तो बराबर आएगा. तो एक हमारा 60 मिल गया और दूसरा हमारा क्या मिल गया? 10x इक्वल टू 10 240 डिग्री. मतलब कि जो 1060 की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी? 10 240 की. आप कैलकुलेट करके देख लेना वही आएगा. तो देखो एक जगह x की वैल्यू कितनी मिली, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो एक जगह x की मिली वैल्यू आपको 60 डिग्री, जिसको रेडियन में लिखोगे तो पाई बाय 3 आएगा. ठीक है, और एक x की वैल्यू क्या मिली, जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो एक x की वैल्यू मिली 240, और जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे आप स्टूडेंट
तो क्या मिलेगा 4π/3। तो आपके ये दोनों जो वैल्यूज हो गए ये क्या हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको बस देखना है, देखो जो भी वैल्यू दिया हो पहले आप कैलकुलेट कर लो कि किस एंगल में इसकी वैल्यू इतनी होगी। हमको पता है tan 60√3 होता है तो 60 डिग्री लिख दिया। अब चूंकि tan पॉजिटिव था तो tan दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो हमको ये पता है कि थर्ड में किसी भी एंगल को 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 270 वाला यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि tan क्वाड में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए 180 प्लस यूज किए। और थीटा क्या होगा, थीटा यही होगा क्योंकि tan 180 प्लस 60 विल ऑलवेज बी इक्वल टू tan 60 इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो मैंने एक जगह लिखा tan 60 और एक जगह लिखा tan 180 प्लस 60। जब 180 प्लस 60 को ऐड किया तो tan 240 मिल गया। अब इस तरह करने पर हमें x की दो वैल्यूज मिली, पहली 60 और दूसरी 240। और ये दोनों एंगल 0 से लेकर 360 के बीच में है, ये दोनों एंगल 0 से लेकर 360 के बीच में है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट तो हो गया, अब हमें करना क्या है, अब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि अगर tan x equal to tan y है, ठीक है, अगर tan x equal to tan y है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये आपको मैंने बताया था। जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन मींस जनरल सॉल्यूशन ऑफ x विल बी इक्वल टू n pi plus y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में प्रूव करके बताया था। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि tan x इक्वल टू रूट थ्री, तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो tan x विल बी इक्वल टू tan 60, या आप इसको रेडियन में चाहो तो tan x विल बी इक्वल टू tan पाई बाय 3, आप किसी एनसीईआरटी में रेडियन में ही दिया है। ठीक है, तो देखो यहां से आप देखो, अगर इसको आप इस वाले चीज को आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो x की जगह पे तो x ही है और y की जगह पे क्या है पाई बाय 3, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो इट्स जनरल सॉल्यूशन, सो इट्स जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर या z, इंटीजर को z से लिखते हैं। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट वो आएगी n पाई प्लस पाई बाय 3, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी जनरल सॉल्यूशन में जब आप n की वैल्यू चेंज करते जाओगे ना तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, तो जनरल सॉल्यूशन को हमेशा n के टर्म्स में लिखते हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप n इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्योंकि n एक इंटीजर है, अगर n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा पाई बाय 3 आया था ना पाई बाय 3, इसी तरह n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 4π/3 आएगा, वो भी आया है यहाँ पे। ऐसे ही नेगेटिव में पुट करोगे तो नेगेटिव में भी आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जनरल सॉल्यूशंस के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी लाई करता है, ये याद रखना। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ओके, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में केवल दो सॉल्यूशन होते हैं, और वो कहां से कहां के बीच में लाई करता है, 0 से 360 के बीच में। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप ये लिख लो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो एक और मैं बता देता हूं जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखो sec x इक्वल टू 2 दिया है ना, हमने जितने भी जनरल सॉल्यूशन पढ़े हैं वो हमने केवल साइन कॉस टेन के लिए पढ़े हैं। ठीक है, तो साइन का भी वही होगा जो कोसेक का होगा, कॉस का भी वही होगा जो सेक का होगा, और टेन का भी वही होगा जो कॉट का होगा। ठीक है, तो एक काम करो, पहले आप सेक को ना चेंज कर लो कॉस में, क्योंकि कॉस का पढ़ा है हम लोगों ने तो उससे आसानी भी होगी। तो अगर सेक दिया हो या कोसेक दिया हो या कॉट दिया हो तो इनको आप उनके ओरिजिनल में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही रहेगा। तो इसको भी जब मैं कॉस में चेंज करूंगा तो आएगा कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है, पॉजिटिव है, और कॉस के किस एंगल में वैल्यू आती है 1/2, तो कॉस 60 में आती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 60। ठीक है,
एक वैल्यू हमारी मिल गई। अब देखो फिर से मैं एसटीसी बनाया, ए एस टी सी, जो कॉस होता है, कॉस की वैल्यू यहां पॉजिटिव है और कॉस जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल 60 डिग्री है वो तो हम लोगों ने निकाल लिया, मतलब कि एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा फाइंड करना है तो दूसरा कहां मिलेगा, दूसरा हमें मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों फोर्थ में मिलेगा, क्योंकि कॉस जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो निकाल लिए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का बचा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का बचा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा लिखते हैं। 270 प्लस थीटा लेंगे नहीं, 360 माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस नहीं रहेगा। तो देखो पहला ये लिखा मैंने और दूसरा क्या लिखा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 360 माइनस 60, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो इसको जब आप करोगे तो ये आएगा कॉस 300 आएगा, ठीक है। आप खुद बताओ, आपने पढ़ा है ना कि कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ही में रहता है और पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे ही क्या कॉस 360 माइनस 60 कॉस 60 के बराबर नहीं होगा, होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब देखो एक बार कॉस एक्स कॉस 60 के बराबर आया है और एक बार कॉस एक्स कॉस 300 के बराबर आया है, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मिली, एक मिली एक्स की वैल्यू 60 डिग्री जिसको हम लोग पाई बाई 3 बोलते हैं, और एक एक्स की वैल्यू मिली 300 डिग्री जिसको हम लोग फाइव, इसको जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 5 पाई बाई 3, आप देख लेना वही आएगा, ठीक है। तो ये देखो एक 300 था और एक 60 था, दोनों एंगल 0 से 360 के बीच में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जो आंसर हुए ना ये हमारे हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, अब मुझे क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर cos x इक्वल टू cos y है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज, ये बताया था मैंने, इज गिवन एज x इक्वल टू 2n pi plus minus y where n belongs to integer, ये होता है general solution अगर cos x equal to cos y है। तो देखो हमारा question क्या था student, question था कि cos x equal to 2, sorry cos x equal to 1 by 2, ठीक है। अब इसी को हम लोगों ने लिखा था cos x equal to cos pi by 3 या cos 60 degree, यही है ना, यहाँ पे देखो cos x equal to cos 60 लिखो या cos x equal to cos pi by 3 लिखो, ठीक है। हम लोग पाई बाई थ्री में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पाई है इसी वजह से, ठीक है। तो अब देखो तो क्या ये वाला फॉर्म इस फॉर्म का नहीं है cos x equal to cos y की टाइप का, जहां पे x के जगह पर x है और y के जगह पर पाई बाई थ्री है। सो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सो इट्स जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू क्या होता है 2n pi plus minus y where n belongs to z, तो y के जगह पे क्या है यहाँ पर पाई बाई थ्री, तो x will be equal to 2n pi plus minus pi by 3, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम लोग आंसर को n के टर्म्स में ही लिखते हैं, ठीक है, थीके? और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये बताते हैं कि उस एंगल की वैल्यू क्या है, जैसे पाई बाई थ्री और 5 पाई बाई थ्री, यानी कि 60 डिग्री और 300 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, बस आपको कंपेयर करना है और निकाल देना है। जनरल सोल्यूशन निकालना बहुत इजी है, बस आप उसको cos x equal to cos y के टर्म्स में लिख दो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन में थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यू कैन डू बाई योर सेल्फ, आफ्टर दैट आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 5, ओके, नोट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, from question number 5 to question number 9, what you have to do, you have to find the general solution of each of the following questions, okay, matlab ki equations, these are the trigonometric equations and you have to find the general solution of the questions, okay, from question number 5 to question number 9। to dekho is question ko solve karne ka do method hai student,
पहला मैं दोनों मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको किसी भी अगर जिससे भी आप कंफर्टेबल उससे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड देखो क्या करो आप। पहले क्वेश्चन दिया है cos 4x इक्वल टू cos 2x ना, cos 4x इक्वल टू cos 2x, तो आप इसको इधर लेते जाओ। तो जब आप इसको इधर ले आओगे तो cos 4x माइनस cos 2x विल बी इक्वल टू 0। अब देखो ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बता रहा है। आपको पता है ना कि मैंने आपको बताया था cos a माइनस cos b क्या होता है स्टूडेंट, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस पे इसको अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस टू साइन 4x प्लस 2x बाई टू एंड साइन 4x माइनस 2x बाई टू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का, माइनस टू का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो माइनस टू को अगर इधर डिवाइड कर दे तो जीरो ही आएगा। अब देखो इधर बचेगा क्या, यहाँ पे साइन, अच्छा देखो साइन 4x प्लस 2x 6x हुआ और 6x डिवाइड बाय 2 3x, ठीक है, इनटू साइन क्या बचेगा 2 4x माइनस 2x 2x एंड 2x डिवाइड बाय 2 x विल बी इक्वल टू 0। ये माइनस 2 कहाँ चला गया, क्योंकि माइनस 2 को जब आप इधर डिवाइड करोगे तो 0 डिवाइड बाय एनी नॉन नेगेटिव नंबर विल बी 0 ओनली, तो ये इधर चला आया, तो इतना बचा आपका। अब देखो यहां पर साइन 3x और साइन x का प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, या तो दोनों नंबर जीरो हो या दोनों में से कोई एक जीरो हो, तो हम मान लेंगे कि 1/1 दोनों जीरो है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप सॉल्व करते थे ना कि x प्लस टू एंड x प्लस वन इक्वल टू अगर जीरो है तो पहले आप x प्लस टू को जीरो के इक्वेट करते थे, वहां से एक वैल्यू मिलती थी, फिर ऐसे ही एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वेट करते थे वहां से एक वैल्यू मिलती थी। तो ऐसे ही एक बार हम लोग साइन थ्री एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे और फिर साइन एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखो करूंगा मैं क्या, पहले मैं क्या करूंगा कि साइन थ्री एक्स को जीरो को इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है साइन थीटा, साइन मैंने आपको बताया था कि अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो x की क्या वैल्यू होगी, x जो होगा वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये बताया था ना मैंने आपको। तो ऐसे यहां भी करना है स्टूडेंट, देखो करोगे क्या, मान लो ये 3x की जगह कोई एक एंगल है, मान लो 3x एक कंप्लीट एंगल है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 3x विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि साइन 3x विल बी इक्वल टू साइन एन पाई, साइन एन पाई, क्योंकि जब थीटा एन पाई के बराबर होता है तो साइन की वैल्यू जीरो होती है। आपने ये सुना है ना कि साइन एक्स इक्वल टू अगर जीरो है तो एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई, तो ऐसे ही अगर साइन थ्री एक्स विल बी इक्वल टू जीरो है तो थ्री एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एन पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। अच्छा दूसरी क्या होगी, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, और अगर ले सकते हो और साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, क्योंकि साइन एक्स भी तो जीरो के बराबर होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो दोनों जीरो हो या दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो पहले मान लिया कि साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो है तो थ्री एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई, तो एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई बाई थ्री, ऐसे ही अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपके हो गए क्या जनरल सोल्यूशन, यही हो गए आपके जनरल सोल्यूशन, ये पहला मेथड हुआ, ठीक है। पहले इसको फॉर्मूले से कर लिया, फिर साइन में बचा दो प्रोडक्ट, दोनों को बारी बारी से जीरो की इक्वेट कर दिया। हमको ही पता है साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, एन मतलब यहां पे क्या है इंटीजर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड इसका बताते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप इसका सेकेंड मेथड देखो। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों सही होगा। अच्छा अब देखो सेकेंड मेथड क्या है सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड क्या है कि ये देखो क्या है, ये cos 4x इक्वल टू cos 2x है ना,
अच्छा ये क्या इस तरह का नहीं है फॉर्म, ये क्या ये इस तरह का फॉर्म नहीं है कि cos x इक्वल टू cos y का फॉर्म है कि नहीं? देखो बस x की जगह पे 4x है और y की जगह पे 2x है, तो अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? जनरल सोल्यूशन होता है आपका क्या, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है ठीक है। तो अगर इसी चीज को यहां अप्लाई किया जाए तो देखो x के यहाँ पे 4x है तो क्या लिखेंगे हम, सो इट्स जनरल सोल्यूशन, सो इट्स जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देखो 4x, x के यहाँ पे 4x है इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखो क्योंकि ओरिजिनल यही होता है। अगर इससे इसको कंपेयर करोगे तो x के यहाँ पे 4x है और y के यहाँ पे 2x है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार आप प्लस लो एक बार माइनस लो, सो व्हेन 4x विल बी इक्वल टू, जब हम प्लस लेंगे मान लो 2n पाई प्लस 2x, ये अगर लेते हैं तो अगर ये 2x इधर जाएगा तो 4x माइनस 2x विल बी 2n पाई, ठीक है। सो यहां से क्या कह सकते हैं हम लोग, 2x विल बी इक्वल टू 2n पाई, यहां पे आप लिख लेना where n belongs to integer, where n belongs to integer, तो यहां से क्या आ जाएगा x equal to n pi where n belongs to integer, देख रहे हो ये वही वैल्यू आई है जो हम लोग का पिछले वाले मेथड से आई थी एक वैल्यू। ऐसे ही when जब आप नेगेटिव, देखो यहां प्लस माइनस था ना, तो एक बार प्लस लिए अब माइनस लेंगे, तो when 4x will be equal to 2n pi minus 2x, तो जब ये 2x इधर जाएगा तो ये 4x minus 2x will be equal to 2n pi, so ऐसे ही 2x will be equal to, sorry ये plus हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो plus हो जाएगा, तो ये 6 pi equal to 2n pi, where n belongs to z, n belongs to z, तो देखो यहां से x की value क्या आ जाएगी, 2n pi by 6, where n belongs to z, या n equal to n pi upon 3, where n belong to z. देखो दोनों वही वैल्यू है जो पिछले केस में आई थी, एक x equal to n pi by 3 आया था और एक x equal to n pi आया था, तो यही आपके दोनों क्या हो जाएंगे जनरल सोल्यूशन, ये भी होगा और ये भी होगा ठीक है। तो यही दोनों मेथड है, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर लेना, ये वाला ज्यादा इजी है ठीक है। एक और बताते हैं, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन लाइक प्रीवियस, बस यहाँ पे तीन टर्म दिए हुए हैं, तो आप एक काम करो इसमें से शुरू के दो टर्म आपस में ले लो ठीक है, इन दोनों को आपस में पेयर बना के इनको सॉल्व करो पहले और इसको ऐसे छोड़ दो। अब देखो ये cos a और plus cos b का फॉर्मूला बना रहा है पहले के दो, मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को साथ में ले जा रहा हूँ, cos 3x plus cos x को मैंने साथ में ले लिया, क्योंकि अगर दो होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन यहाँ तीन है तो पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होगा, और इसको ऐसे छोड़ दिया cos 2x equal to 0। आपको पता है कि cos a plus cos b क्या होता है, ये होता है 2 cos a plus b by 2 and cos a minus b by 2, स्टूडेंट फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो ऐसे ही इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 cos 3x plus x by 2 and cos 3x minus x by 2 and minus cos 2x equal to 0। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ध्यान दो यहां से क्या आएगा 2 cos 3x plus x 4x and 4x divide by 2 will be 2x, और ये क्या बच जाएगा cos 3x minus x 2x and 2x by 2 x, तो cos x minus cos 2x equal to 0। अब देखो क्या हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कॉमन लेके, तो हाँ कर सकते हैं, तो यहां से cos 2x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या 2 cos x minus 1 equal to 0, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल फैक्टराइजेशन जैसा है, ऐसा है बिल्कुल x into x minus 1 टाइप का, तो क्या करते हो ऐसे सॉल्व करने के लिए, पहले आप x equal to 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, और जब x minus 1 equal to 0 पुट करोगे तो x equal to 1 आएगी, ऐसे यहां भी करेंगे ठीक है। तो देखो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, पहले मैं क्या कर रहा हूं कि cos
2x will be equal to 0 कर दे रहा हूं, ठीक है। पहले cos 2x को 0 के इक्वल पुट कर दे रहा हूं। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो। मैंने आपको बताया था कि अगर cos x equal to 0 है, पार्ट 7 में, अगर cos x equal to 0 है तो x क्या होता है? 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer, ये होता है। तो सेम चीज यहां भी है, cos 2x equal to 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग? cos 2x equal to 0 तब होगा जब इस 2x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2n plus 1 pi by 2 के, जहां पर n क्या है? integer। तो बस x को इधर डिवाइड, 2 को इधर डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n plus 1 pi by 4, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो pi by 4 हो जाएगा, where n belongs to z। तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया पहले वाले केस में, ठीक है। अब दूसरे वाला केस देखो कि cos, दूसरा वाला केस ये है कि 2 cos x minus 1 equal to 0, तो यहां से cos x की वैल्यू आएगी 1 by 2, यहां से हम लिख सकते हैं cos x will be equal to cos pi by 3, पता है ना आपको ये कि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 by 2 होती है। तो अब ये देखो cos x equal to cos y के टाइप का है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या होगा स्टूडेंट? x विल बी इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi by 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, पहला केस में आंसर आएगा 2n plus 1 pi by 4, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। दूसरे केस में x equal to 2n pi plus minus pi by 3, जहां पर n z के एक इंटीजर है। तो ऐसे सॉल्व करना है। ये वाले तो बहुत सिंपल था, cos x equal to 1 by 2, तो cos x equal to cos 60 होगा, या cos pi by 3 cos y वाला फॉर्म। और हमको ही पता है कि जब cos x equal to cos y हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n pi plus minus pi by 3। यहां मैं जनरल सॉल्यूशन इसलिए निकालना हूं क्योंकि क्वेश्चन में केवल जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, एक और बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाकी के दो आप कर लेना, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर क्वेश्चन नंबर 7। मैं 7 बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। देखो पहले अगर कुछ ना देख के समझ में आए तो अगर कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो होता है 2 sin a cos a, तो वही चीज यहां अप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 2 sin x cos x plus cos x equal to 0। अब देखो दोनों में से cos x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो cos x will be कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 2 sin x plus 1 equal to 0। अब देखो ये cos x एक अलग नंबर है और 2 sin x plus 1 एक अलग नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं cos x equal to 0। cos x equal to 0 कब होता है? जब x 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो, मतलब कि 2n पर प्लस 1 पाई बाय 2 हो। तो यहां से हम कह सकते हैं कब होता है ये कंडीशन? जब x क्या होता है? 2n प्लस 1 इन ब्रैकेट पाई बाय 2, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहला जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। ये जनरल सॉल्यूशन है, जब भी आपको n के टर्म्स में दिखे ना तो वो हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। एक का तो निकल गया, दूसरा जो साइन में है वो करते हैं। साइन में क्या है स्टूडेंट? साइन में है 2 sin x plus 1 equal to 0। पहले cos x को 0 के इक्वेट कर दिए, अब साइन वाले को 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहां से sin x जो आएगा वो आएगा minus 1 by 2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं sin x and minus sin pi by 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1 by 2 होती है और माइनस को ऐसे रहने दिया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोगों ने कि अगर साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं? तो अगर माइनस साइन पाई बाई 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा फॉर्म का है, हम जानते हैं ना आपको जनरल टाइप में
मैंने आपको साइन में बताया था, कॉस में बताया था, टेन में बताया था, तीनों का जनरल सोल्यूशन बताया था। तो अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता था तो इट्स जनरल सोल्यूशन क्या होता था, इट्स जनरल सोल्यूशन क्या होता था स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू पावर एन वाई, जहां पर एन क्या है, एक इंटीजर। तो वही चीज अप्लाई कर दो, देखो क्या ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई टाइप का नहीं है, जहां पर वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई सिक्स। सो इट्स जनरल सोल्यूशन, सो इट्स जनरल सोल्यूशन विल बी वॉट आर एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू पावर एन, और वाई की जगह पे क्या है, यहाँ पे माइनस पाई बाई सिक्स, जहां पर एन क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। तो दो आंसर आ गया। अब कहोगे सर वाई यहाँ पे नेगेटिव क्यों, वाई नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, वाई तो एक एंगल है, तो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपका जनरल सोल्यूशन यही आएगा। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो जनरल सोल्यूशन ये होता है, तो उसी फॉर्मूले में जस्ट पुट कर दिए हैं, एन पाई की जगह एन पाई और वाई की जगह पर माइनस पाई बाई सिक्स। तो इस तरह आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या निकाल सकते हो, जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो जितने भी एग्जाम्पल हो लगा लेना। दो क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो आप कर लेना ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर का सारा सिलेबस हो चुका है। मिसलेनियस आप चाहो तो अपनी मर्जी से लगा सकते हो, जितना भी मैंने बताया है उसी पर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप वो लगा लेना। एक क्लास और बची है जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बता दूंगा सारा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड यू टुडे एंड अर्लियर। ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।